नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो वहीं धार से भी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। देखिए ये रिपोर्ट। नामांकन जमा करने के अंतिम दिन धार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी नीना विक्रम वर्मा एक रैली के रूप में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन जमा करने पहुंची। भाजपा कार्यालय से शुरू हुई रैली ढोल ताशों के साथ नीना वर्मा अपने कार्यकर्ताओं के बीच लोगों का अभिवादन करते हुए पर्चा भरने पहुंची। आपके बाद तीसरी बार हैट्रिक है। हैट्रिक के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, बिल्कुल मुकाबले में नहीं रहना है। विश्वास अच्छा है, आत्मविश्वास भी अच्छा है, लेकिन हर चीज की वो है, तो प्लीज सब लोग अपने अपने बूथ पे ध्यान देंगे। वहीं कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी प्रभा सिंह गौतम ने भी आज रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन जमा कराया। वहीं प्रभा गौतम ने महिला सुरक्षा, पानी की सुविधा सहित अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। सबसे पहले लड़कियों की समस्याएं दूर करना है, जल, पानी, सड़कें। गाँव में तो विकास ही नहीं है और हमें उसी का निराकरण करना है। कुल मिलाकर दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। दोनों का कहना है कि क्षेत्र का विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, धार।